कंपनी एवं मल्टी स्टेट कॉरपोरेटिव सोसाइटी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एवं राज्य पत्र के अनुसार क्रमांक 1 2702-3047-2019-E4 दी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 की धारा 7 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से राज्य के समस्त संभागीय आयुक्त को उनके अपने क्षेत्राधिकार के भीतर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धारा 30 के प्रावधानों को छोड़कर सक्षम अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है। निवेशकों के पैसा वापस दिलाने के लिए काउंटर खुलवाकर निवेशकों के फॉर्म एवं डॉक्यूमेंट अन्य जिलों एवं प्रदेशों की भांति जमा करवा कर पैसा दिलाना बाबत आपके संज्ञान मिलाना है कि जी लाइफ इंडिया कंपनी पर्स साई प्रसाद ऑफ कंपनी साई समृद्धि कॉरपोरेटिव सोसाइटी जेकेवी मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉरपोरेटिव सोसाइटी जैसी दर्जनों ठग कंपनियों एवं सोसाइटी ने जिले के हजारों नागरिकों को धोखाधड़ी से ठगा है और राज्य एवं केंद्रीय अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए गिरोह बंद होकर जुलता से करोड़ों रुपए की ठगी भी की है। जिला पुलिस सहयोग कर रही है और हमें आगे भी सहयोग मिलता रहे तथा जिन कंपनियों के विरुद्ध शासन प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई है उनको आगे बढ़ाया जाए एवं जिन कंपनियों की संपत्ति जब्त नहीं हुई उन कंपनियों की संपत्ति को जब्त किया जाए एवं जो संपत्ति जब्त हो गई है उनको नीलाम किया जाए। आज हम लोगों ने ठगी पीड़ित जमा परिवार गुना मध्य प्रदेश के तत्वधान में जिला कलेक्टर गुना को हमने आवेदन दिया है 2019 के तहत यहाँ खिड़की खुलवाई जाए गुना कलेक्ट्रेट में। काफ़ी समय से पिछले मंगलवार को भी हमने ज्ञापन दिया, इससे पहले भी काफ़ी आवेदन भी दे चुके हैं। इस बार कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द खिड़की खुलवाई जाएगी। हमारा यही इस वीडियो के माध्यम से यही निवेदन है चुनाव प्रशासन से, यहाँ जल्द से जल्द खिड़की खुलवाई जाए जिससे ठगी पीड़ित जमा परिवार वाले जो भी ठगी पीड़ित लोग हैं वो अपने कागज सुनिश्चित रूप से जमा यहाँ करवा सकें, जो परेशानी ना हो और जल्द से जल्द भुगतान हो उनका। धन्यवाद।